दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रिवर्सल पैटर्न के बारे में। इसमें क्या होता है रिवर्सल पैटर्न में, थोड़ा ध्यान से देखिए। रिवर्सल पैटर्न में मार्केट आपको लगता है यहाँ से अप जा रही है, फिर मार्केट यहाँ से डाउन होती है और यहाँ फिर अप हो जाती है, फिर डाउन होके ऐसे अप डाउन चलता है। बट ये ग्राफ का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट मार्केट जो होती है ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाती है। लोग क्या करते हैं, जब लेफ्ट ये ग्राफ बनता है, लोग क्या करते हैं कि इस शोल्डर पे वो क्या करते हैं, खरीदने लग जाते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय करते हैं। हेड देखकर लोग वॉल्यूम बढ़ता जाता है और लोग बाय करते हैं खरीदने वालों का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग जिनको पता होता है वो यहाँ पर बेचना चालू कर देते हैं। इसे बोलते हैं नेक लाइन। हेड एंड शोल्डर है तो बीच में नेक भी होगा। ये लेफ्ट है, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। तो क्या होता है कि नेक शोल्डर से, नेक से यहाँ पर लोग सेल करना चालू कर देते हैं। जो सेल करना चालू करता है वो प्रॉफिट में रहता है। ये आपको ग्राफ में भी मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए ग्राफ, यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, हेड बना है, राइट शोल्डर बना हुआ है। बट आपको ना शॉर्ट टर्म में कुछ क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा मार्केट अप जा रही है। बट आप देखेंगे जब इसमें मूविंग एवरेज लगाएंगे 200 डेज़ का और 100 डेज़ का ग्राफ के अंदर, तो आपको लगेगा कि ये देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, पूरा नीचे आ रहा है, उसकी वैल्यू डाउन जा रही है शेयर्स की। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपका शोल्डर बनता है, हेड एंड शोल्डर, तो आपकी मार्केट नीचे की तरफ जाती है। और ऐसे ही हम कॉल पुट में क्या कर सकते हैं, सेल की का नेक पर सेल की कॉल लगाकर, पुट की कॉल लगाकर, पुट लगाकर अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।